हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा कोर्स। और आज हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में। मल्टी डायमेंशनल एरे को समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो न्यू वीडियोस हमारी अपलोड होंगी उनके तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उसके पहले हमारे जावा कोर्स की भी इतनी सारी प्लेलिस्ट में एक्सेस कर लेना। पर उसके पहले हमारे जावा कोर्स में इतनी सारी वीडियोज़ जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप ये सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। और आप जावा पर अगर न्यू हो, फर्स्ट टाइम जावा को सीख रहे हो, तो आप स्टार्टिंग से हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगी, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगी। हमारे जावा कोर्स, जावा प्रोजेक्ट्स को, एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स को अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप इन प्रोजेक्ट्स को भी चेकआउट कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप सामने देख सकते हो, लास्ट वीडियो में हमने एरे को समझ लिया था, तो यहाँ पर मैं फिर से आपको बताता हूँ। हमारे पास क्या है एरे, जिसका जो नेम है वो क्या है, मार्क्स। उसके सामने कुछ हमारे पास इंडेक्स है, जो हमारे एरे का साइज है। एरे का साइज कहाँ तक होता है, एन माइनस वन तक होता है, और शुरू कहाँ से होता है हमारा इंडेक्स, जीरो से, ठीक है। एन जो होता है वो हमारे एरे का साइज होता है। अब हमारे पास एक रेफरेंस है जिसके अंदर हमने कुछ इंटीजर्स को स्टोर करवाया है। आप जरूरी नहीं है इंटीजर्स को स्टोर करवाओ, आप स्ट्रिंग टाइप को भी स्टोर करवा सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट्स को भी स्टोर करवा सकते हो, डबल को भी स्टोर करवा सकते हो, साथ में इंटीजर्स को भी स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास एक रेफरेंस था जिसके अंदर हम कुछ इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवा रहे थे। अभी ये चीज हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, ठीक है। तो हमारे पास एक रेफरेंस था जिसके अंदर हम कुछ इंटीजर्स वैल्यू को स्टोर करवा रहे थे। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चेंज करके अंदर एक रेफरेंस बना दूँ और उसके अंदर मैं जीरो को बोलूँ कि एक एरे को पॉइंट करो, और वन को भी बोलूँ कि एक एरे को पॉइंट करो, फिर टूथ इंडेक्स को भी बोलूँ एरे को पॉइंट करो, थर्ड वाला जो इंडेक्स है वो भी एक एरे को पॉइंट करना शुरू कर देगा, फोर भी एक एरे को पॉइंट करना शुरू कर देगा, तब कैसा होगा। अब यहाँ पर जैसे हमारा जीरोथ इंडेक्स है, अगर जीरोथ इंडेक्स जो था हमारा, उसके अंदर हम कुछ इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जीरोथ इंडेक्स को बोल दूँ ये भी एक एरे है, ठीक है, वन को बोल दूँ ये भी एक एरे है, तो क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा 2D एरे। जब हम जीरोथ इंडेक्स को भी बोल देंगे कि जीरोथ इंडेक्स इंडेक्स नहीं है, ये भी हमारा एक एरे है, वन जो है वो भी हमारा एक एरे है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा एरे कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा 2D एरे, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारा, 2D एरे, एरे ऑफ एरे। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको हम क्या बोल देंगे अब, 2D एरे, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर, और व्हाइट बोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि थोड़ा सा अलग दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर येलो ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, अब देखो हमने क्या बोला, अगर मैंने जीरोथ कॉलम को बोल दिया ये भी एक एरे है, ठीक है, तो इस एरे को आप जितना आगे तक लेकर के जाना चाहते हो ना, तो आप ले जा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने अगर बोला कि ये जो जीरोथ इंडेक्स है ये एक एरे है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जो राइटिंग है इसको इग्नोर करना, ठीक है। यहाँ पर ये जो जीरोथ इंडेक्स है ये भी एक एरे है, मतलब इसके अंदर कोई इंटीजर स्टोर नहीं करवाया हमने, इसके अंदर भी एक एरे बना दी है, ठीक है। वैसे ही आप वन के लिए भी बोल सकते हो, वैसे ही आप सेम टू के लिए बोल सकते हो, फिर थ्री के लिए भी सेम, फिर फोर के लिए भी सेम। पर ये जो एरे है इसको आप कितना भी आगे तक लेकर जा सकते हो, आप जितना ले जाना चाहो उतना ले जा सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको। कैसे, कि अगर मैं बोलूँ ये वाला जो हमारा एरे है, अब इसके जो इंडेक्स है, ये वाला जो लास्ट इंडेक्स है, इसके अंदर भी एक एरे है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर एक एरे बन के आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बोल दूँ इसका जो लास्ट इंडेक्स है इसके अंदर भी एक एरे है, यहाँ पर फिर से हमारे पास एक एरे बनकर आ जाएगी। अब इसके अंदर हमको इंटीजर स्टोर करवाना है तो हम बिल्कुल करवा सकते हैं, बट अगर मैं फिर से बोल दूँ नहीं इसके अंदर भी एक एरे चाहिए, तो हम यहाँ पर भी एक एरे बना सकते हैं, और आप इसको जितना आगे ले जाना चाहो ले जा सकते हो, ले जा सकते हो। और यहाँ पर अब मैं करवा दूंगा कुछ इंटीजर्स को स्टोर, तो पहले कॉलम में वैल्यू कौन सी आ जाएगी हमारी, वन, फिर यहाँ पर आ जाएगी टू, फिर यहाँ पर थ्री, फिर यहाँ पर थ्री आएगी, और यहाँ पर फोर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे तरीके से आप अपने एरे को इंक्रीज कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा 2D एरे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सभी चीज़ों को रिमूव कर दिया पहले, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा पेन का कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभी मैं हमने क्या किया था, एरे बनाया था, अब मैं वापस से एक एरे बनाता हूँ, ठीक है। और हम एरे की वैल्यू को निकाल कैसे पाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं जीरो के अंदर एक एरे बनाता हूँ, ठीक है। जीरोथ इंडेक्स के अंदर हमारे पास एक एरे है, ठीक है। यहाँ पर क्या करूँगा, इसके लास्ट कॉलम के अंदर, लास्ट इंडेक्स के अंदर एक और एरे है, ठीक है। इसके अंदर कुछ
क्या है लास्ट, इसके अंदर भी हमारे लास्ट इंडेक्स के अंदर एक एरे है, ठीक है। यहाँ पर अब इस एरे के अंदर वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 1, ये 2, ये 3 और ये दूंगा यहाँ पर 4। ये कौन सा इंडेक्स हो गया हमारा 0, ये कौन सा हो गया 1, फिर ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। अब हम इस एरे के अंदर से वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं, तो वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमारी टेबल का नेम। तो यहाँ पर क्या है हमारी टेबल का नेम, मार्क्स, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स के मार्क्स को एरे में स्टोर करवाया था, स्टूडेंट्स के मार्क्स को एरे में स्टोर करवाया था, तो वहाँ पर कुछ और नेम लिया था शायद तक हमने, और यहाँ पर मैंने मार्क्स दे दिया है, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर टेबल का नेम मार्क्स, और उसके बाद एरो नहीं आएगा एक्चुअली, इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, मार्क्स, और फिर उसके बाद कॉलम का नेम ब्रैकेट्स के अंदर। सबसे पहले कौन सा कॉलम हमारा, जीरो, मैं यहाँ पर जीरो देता हूँ, उसके बाद फिर ब्रैकेट आएगा, और इस ब्रैकेट के अंदर कौन सा हमारा नेक्स्ट जो एरे है जीरो के अंदर, उसके कॉलम का नेम आएगा, तो 0, 1, 2। तो यहाँ पर मेरे को क्या देना पड़ेगा, 2। जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 दिया तो मैं किस एरे में पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पर वापस इंडेक्स का नेम देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो कैसे दूंगा, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने थर्ड दिया तो मैं किस इंडेक्स पर पहुँच गया, हमारे जहाँ पर हमने इंटीजर्स को स्टोर करवाया। अब इस यहाँ पर फिर वापस ब्रैकेट लूंगा, ठीक है, यहाँ पर वापस से ब्रैकेट लूंगा, और यहाँ पर ब्रैकेट लेने के बाद आप देखो यहाँ पर 0, 1, 2, 3 है, ठीक है, 0, 1, 2, 3। अब मैं अगर यहाँ पर 0 दे दूंगा तो आउटपुट में मेरे को क्या मिलेगा, 1, क्योंकि 0th इंडेक्स में हमारे पास वैल्यू कौन सी है, 1 है। फिर उसके बाद 0 को अगर मैं रिमूव करूँ यहाँ से और मैं वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर 2, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 2 दी तो सेकेंड इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, 3, तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा आउटपुट में, 3, क्योंकि हमारे जो सेकंड इंडेक्स है उसके अंदर कौन सी वैल्यू है, 3 है, ठीक है। तो इस टाइप से आप वैल्यूज को किसी 4D एरे के अंदर से निकाल सकते हो। अभी यहाँ पर ये कौन सा एरे बन गया, ये 4D एरे बन गया, ठीक है, क्योंकि ये 1, ये 2, ये 3 और ये हमारा जहाँ पर वैल्यू स्टोर है ये 4, तो ये हमारा कौन सा एरे है, ये 4D एरे है। आप 5D भी बना सकते हो, आप यहाँ पर 4D भी बना सकते हो, आप 3D भी बना सकते हो, आप 2D भी बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम हमारे एरे के अंदर से वैल्यूज़ को निकालते हैं, ठीक है, पता करते हैं कैसे निकालना है, कैसे गेट करना है हमको वैल्यूज़ को, तो हम इस तरीके से हमारे एरे के अंदर से वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ पर हमने 4D एरे का दिया था, बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होंगे, हमारी जो 90% कंडीशन ऐसी होंगी कि हम 2D एरे के आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। 90% हमारी कंडीशन ऐसी होंगी कि हम सिर्फ 2D एरे बनाएंगे और हमारा जो प्रोग्राम है वहाँ पर ही सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कहीं कंडीशन ऐसी आ जाए कि आपको 3D एरे पर भी जाना पड़े, ठीक है, 3D एरे पर जाना पड़े, और n टर्म के एरे पर भी आपको कहीं पर बनाना पड़ सकता है। बट 90% केस क्या होते हैं, वहाँ पर हमको सिर्फ 2D एरे बना लेते हैं और वहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप n नंबर्स ऑफ एरेज नहीं बना सकते, आप बिल्कुल बना सकते हो, और कुछ कंडीशंस प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस एक ऐसी भी आती है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर आपको n नंबर्स ऑफ एरे बनाना पड़ जाते हैं, ठीक है। तो कहीं पर आपको यहाँ n नंबर्स ऑफ एरे भी बनाने की ज़रूरत पड़ती है, बट 90% केस क्या होते हैं कि आप सिर्फ 2D एरे बनाओ और आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो प्रोग्राम है वो 2D एरे में चल जाएगा, उसको उससे आगे ज़्यादा से ज़्यादा 3D एरे तक लेकर के जाओगे, उससे ज़्यादा नहीं जाना पड़ता। अब हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजी आइडिया पर, ठीक है, इंटेलिजी आइडिया पर आ चुके हैं, और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक न्यू क्लास को बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर जावा क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो बनकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आते हैं, मेन फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन बनकर रेडी हो चुका है। अब हम 1D एरे था जो वो कैसे क्रिएट कर रहे थे, जो कि हमने सिंटेक्स 3 तरह से बना सकते थे, ठीक है। तो 1D एरे कैसे बना रहे थे हम, इंट ब्रैकेट्स हमारी टेबल का नेम, ठीक है, मार्क्स, ये हमारा बन रहा था 1D एरे, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर सामने लिख भी देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1D एरे, ठीक है, ठीक है। 1D एरे ये हमारा किस टाइप से बन रहा था, कुछ इस टाइप से बन रहा था। अब अगर हम 2D एरे को बनाना चाहें तो 2D एरे के लिए यहाँ पर इंट, अब 2D एरे में आपको सिंपली यहाँ पर 2 को याद रखना है और 2 टाइप से ब्रैकेट्स को देना है, और उसके बाद आएगा हमारी टेबल का नेम। मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, मार्क्स 2 दे देता हूँ, ठीक है। ये बन गया हमारा 2D एरे। 2D एरे को आप कैसे समझ सकते हो, पहला जो है ये आप एक होटल है, ठीक है, हमारे पास एक होटल है, उस होटल के कितने फ्लोर्स हैं, 2 फ्लोर्स हैं, ठीक है। दो फ्लोर्स कैसे, सबसे पहला होगा हमारा ग्राउंड फ्लोर और फिर उसके बाद होगा फर्स्ट फ्लोर, फिर आएगा हमारा सेकंड फ्लोर। तो जो पहला वाला कॉलम है वो 0, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास कितने घर हैं, कितने रूम्स हैं,
वो आएंगे आपके सेकंड कॉलम पे। फिर फ्लोर मतलब आप पहले ब्रैकेट में बताओगे कि हमारा जीरोथ फ्लोर है और इस जीरोथ फ्लोर पे कितने रूम्स हैं हमारे पास, जैसे 12 रूम्स हैं, तो आप इस टाइप से बता सकते हो कि जीरोथ फ्लोर पे हमारे पास 12 रूम्स हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से लेकर के चलना। ये 2D एरे हमारा। अब अगर जैसे कि हमको यहाँ पर ये ले लिया हमने मार्क्स 2, अब मैं यहाँ पर कैसे एलिमेंट्स को दे रहा था, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ मार्क्स 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर लूँगा न्यू इंट, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाना है, और यहाँ पर मैं ले दूँगा ब्रैकेट्स, ठीक है, ये आ गए ब्रैकेट्स। अब मैं यहाँ पर कितना देता हूँ 2, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूँगा 3, तो ये 2 और 3 मतलब हमारा 2 रोज हैं और 3 हमारे कॉलम्स हैं, इनको रोज और कॉलम्स के जैसे समझना, 2 हमारी रो है और 3 हमारे जो क्या है, 3 हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है। अब वैल्यूज़ को कैसे एंटर करवाऊँगा मैं इसके अंदर, वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ मार्क्स 2, ठीक है, मार्क्स 2 मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर ब्रैकेट्स दूंगा और इक्वल्स टू करके मैं यहाँ पर वैल्यू देने वाला हूँ। तो मैं जैसे कि हमारे होटल्स के रूम होते हैं ना 98, 01, 01, 104, 103, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 105 और इसको करता हूँ क्लोज। बट अब हमको बताना तो पड़ेगा ये किस फ्लोर पर है, कौन सा रूम है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बोलूँगा 0th फ्लोर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रोज और कॉलम्स में लिया था, रोज और कॉलम्स में अगर आप समझोगे तो रोज कितनी है हमारे पास, सिर्फ 2 हैं, 0 और 1, और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, तो मतलब 0, 1, 2, तो हम वैसे ही पहले रो बताएंगे, तो 0th रो के अंदर कॉलम कौन सा है हमारा, 0, तो 0 कॉलम में 0, 0 हो गया। फिर इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा, नीचे ला करके पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब हमारा 0th कॉलम में, 0th रो में कौन सा कॉलम होगा, अब ये हमारा 1 वाला कॉलम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू मैं 6 कर देता हूँ। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर ला करके फिर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर अब हमारा 3rd कॉलम होगा, तो इसका कॉलम 0 से शुरू होता है हमारा हमेशा, ठीक है, तो 0, 1 और फिर ये आ जाएगा 2, तो कुछ इस टाइप से 0th फ्लोर पे हमारे पास कितने रूम्स हैं, 0, 1, 2, 3 रूम्स हैं, और उन तीनों रूम के नेम कौन कौन से हैं, 105, 106 और ये होगा 107, ठीक है। 0th फ्लोर पे हमारे पास 3 कमरे हैं, 1, 2, 3, 0, 1, 2, जिनके नेम है 105, 106, 107, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आया हो। अब यहाँ से मैं वापस इसको कॉपी करता हूँ, अब चलते हैं हमारे 1st फ्लोर पर, मतलब रो कितनी है, सिर्फ 2 है, तो हमको यहाँ पर अब क्या लेना पड़ेगा, 0 ले लिया, अब यहाँ पर लेते हैं 1, ठीक है। तो अब पहले फ्लोर पर हमारे पास कमरे कैसे रहेंगे, फिर से 3 ही कमरे हमारे पास 1st फ्लोर पर भी, तो यहाँ पर 0 ले लेता हूँ और 0th फ्लोर पर 0th कॉलम में कौन सी वैल्यू, 108 करवा देता हूँ, फिर वापस पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर करूँगा 1st फ्लोर पे, भाई पहला जो कॉलम है उसमें वैल्यू को डाल दो आप 109, फिर वापस नीचे आते हैं, यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर 1st फ्लोर पर जो हमारा 3rd कॉलम है, यहाँ पर मैं 2 दे देता हूँ, बिल्कुल सही दिया था, यहाँ पर 2 दे देता हूँ और यहाँ पर मैं कर दूँगा 110, ठीक है, ये हमारा 110 हो गया। अब जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी परफेक्ट आ गई, जो कॉलम है हमारे 3 हैं, अगर मैं यहाँ पर एक और बनाना चाहूँ तो मेरे को एरर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे जो मेमोरी है उससे बाहर चला जाऊँगा मैं। तो ये होता है हमारा 2D एरे, और इस 2D एरे के अंदर आप वैल्यूज़ कैसे एंटर करवाते हो कुछ इस पैटर्न में, ठीक है, कि आपका जो फ्लोर है, आपका जो कॉलम का नेम, 2D एरे आप कुछ इस टाइप से बनाते हो, ठीक है, और इस टाइप से कुछ वैल्यूज़ को एंटर करवाते हो। सबसे पहले आपका रो कितनी है, कौन सी रो पर आपको वैल्यू चाहिए, और रो में कौन से कॉलम पर वैल्यू चाहिए वो आप सेकंड ब्रैकेट में बताते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, 0, 0, 0th रो पर 0th कॉलम पर 105 को स्टोर कर दो, फिर हमने क्या बोला, 0th रो पर 1st कॉलम पर 106 को स्टोर कर दो, फिर 0th रो पर 2nd कॉलम पर हमारी वैल्यू 107 को स्टोर कर दो, फिर हम आए 1st फ्लोर पर, मतलब 1st रो पर। तो कुछ इस टाइप से हम हमारी वैल्यूज़ को हमारे 2D एरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। इसको विजुलाइज करने के लिए आप देखो सामने एक आपके स्क्रीन पर, हमारे यहाँ पर एक स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, तो उस इमेज में आप देखो सबसे पहले 0 और 1, ठीक है, जो हमारी रोज़ हैं, रोज़ कौन सी हैं, 0 एंड 1, क्यों, क्योंकि हमारे इंटीजर टाइप में हमने क्या बोला था, रो कितनी है 2, पहले ब्रैकेट में हमने 2 को पास किया था और दूसरे ब्रैकेट में हमने 3 को पास किया था, रो हो गई हमारी 2, 0 और 1, और कॉलम हो गए हमारे 3, 0, 1, 2, तो हमने रो 0 में और कॉलम 1 में, तो 0, 0 कौन सी वैल्यू हुई, जो हमने स्टोर करवाई थी 105, फिर वैसे ही हमारे क्या किया, सेकेंड कॉलम में स्टोर करवाना था तो हमने क्या लिया, 0, 2, 0, 1 लिया, अगर हम जावा के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो 0, 1 लिया,
उसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाया था, 106, फिर हमने रो 1 में स्टोर करवाना था सेकंड कॉलम में, तो हमने क्या किया 0.2 लिया, 0.2 लिया और वहां पर हमने क्या स्टोर करवाया था 107। उसी तरीके से सिमिलरली हमने सेकंड रो में भी वैल्यू को स्टोर करवाया। आप इसमें ज़रूरी नहीं है इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाओ, आप फ्लोटिंग पॉइंट को भी स्टोर करवा सकते हो, आप डबल वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हो, आप स्ट्रिंग को भी स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर 107 104 लिया, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आप यहाँ तक कि लॉन्ग वैल्यू तक को भी ले सकते हो अपने एरे के अंदर। अब हमने वैल्यू तो एरे बना लिया, ठीक है, अब हमने एरे को बना लिया, एरे के अंदर वैल्यूज़ को भी इनपुट करवा दिया। अब वैल्यूज़ को हम निकालेंगे कैसे, कैसे हम आउटपुट में अपने एरे के अंदर की सभी वैल्यूज़ को दिखा सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लूप का यूज़ करेंगे। लूप का यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली यूज़ करता हूँ फॉर लूप को। फॉर लूप को यूज़ करके मैं यहाँ पर दूंगा इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, मैं यहाँ पर आई इक्वल्स टू ज़ीरो प्रोवाइड करवाऊँगा। फिर इसके बाद आई इज स्मॉलर देन, और स्मॉलर देन दे करके मैं क्या करूँगा मास्क टू, ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क्स टू ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने मार्क्स टू ले लिया। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा डॉट लेंथ का यूज़, ठीक है, मैंने यहाँ पर डॉट लेंथ का यूज़ किया, इसको कर देता हूँ क्लोज। और आई प्लस प्लस करेंगे, ठीक है, बॉडी आएगी हमारी फॉर लूप की। पहले पूरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं, पूरा सिंटेक्स लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अब इसके अंदर वापस से हम लूप लेंगे, इसको क्या बोलते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है, अगर आपने लूप वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जा करके चेकआउट कर लेना एक बार, ठीक है। इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप, जब हम एक लूप के अंदर एक और लूप को लिया जाता है, ठीक है, एक लूप के अंदर फिर से हम लूप को लेते हैं तब उसको बोला जाता है नेस्टेड लूप। तो यहाँ पर मैं वापस से फॉर लूँगा, यहाँ पर देता हूँ इंट आई, अब आई नहीं देना है क्योंकि आई तो हमने ले लिया। अब बॉडी के अंदर मैं दूंगा जे, इंट जे इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा जे इज स्मॉलर देन मास्क टू, इसके अंदर मार्क्स टू, और फिर हमारा जो रो है उसका नेम, मतलब यहाँ पर आई देने वाला हूँ, और फिर आई की लेंथ तक मेरे को ये चलाना है, तो यहाँ पर डॉट लेंथ का यूज़ करूँगा और जे को कर दूंगा इंक्रीज, तो जे प्लस प्लस हो जाएगा। फिर आएंगे नीचे, और नीचे आने के बाद साउट लेता हूँ मैं, और साउट के अंदर मैं लूँगा यहाँ पर मार्क्स, और यहाँ पर मैं दो ब्रैकेट्स देता हूँ, और पहले वाले ब्रैकेट के अंदर आई मतलब रो, और फिर यहाँ पर जे मतलब कॉलम्स, वो हम प्रिंट करवा लेंगे। अब ये लूप के अंदर मैंने क्या किया ये आप समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। यहाँ पर मैंने फॉर लूप का यूज़ किया, ठीक है, सबसे पहले मैंने एक लूप बनाया जहाँ पर मैंने वैल्यू दी आई, ठीक है, आई हमारा शुरू होगा कहाँ से, ज़ीरो से, और कहाँ तक जाएगा आई, जितनी हमारी जो एरे है उसकी लेंथ होगी, एरे की लेंथ मतलब जितनी एरे की रो होगी, रो कितनी हमारे पास टू हैं, आप ऊपर देख सकते हो, ज़ीरो और वन, टू रोज़ हैं हमारे पास एरे में, ठीक है, ये टू डायमेंशनल एरे में हमारे पास रोज़ कितनी है टू, पहले वाले ब्रैकेट में कितनी वैल्यू है टू, ठीक है। तो हमारा जो एरे की लेंथ होगी, जो यहाँ पर आई वाला जो लूप है ये किसको डिनोट करेगा, हमारी रोज़ को, ठीक है, तो यहाँ पर रो को बताने वाला हमारा ये आई वाला लूप है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर लिया जे को, तो जे किसको बताएगा, हमारे कॉलम्स को। अब यहाँ पर आप देखो हमने जे को शुरू किया है ज़ीरो से, और कहाँ तक अब हमारा जे चलने वाला है, मार्क्स टू के आई वाली जो वैल्यू, मतलब रो की जितनी लेंथ होगी, उस रो की जितनी भी लेंथ होगी उस लेंथ तक हमारा जे चलेगा। मतलब यहाँ पर देखो ज़ीरो, हमारा जो रो ज़ीरो है उसमें कितने हैं, थ्री कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर ज़ीरोथ रो के तीन कॉलम्स तक की जितनी वैल्यू होगी वो हमको प्रिंट करके देगा हमारा ये जे वाला लूप, ठीक है। आई वाला जो लूप है वो बता रहा है रोज़ को, और जे वाला जो लूप है वो रोज़ के अंदर कितने कॉलम्स हैं उसको बता रहा है, ठीक है। और फिर आउटपुट में हमको मिलेगा हमारा आउटपुट वाली वैल्यूज, जो भी हमने वैल्यू को स्टोर करवाया होगा। तब क्लास को रन करता हूँ, और यहाँ पर देखो हमारा जो आउटपुट है वो हमको क्या मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास आउटपुट आ चुका है, और आउटपुट में आप देखो 105, 106, 7, 8, 9, 10 परफेक्ट हमको आउटपुट हमारा मिल चुका है। तो हमारा जो आई वाला लूप है उसने क्या बताया, रोज को कैलकुलेट किया, एक के बाद एक रो पर गया, और जे वाला जो लूप है उसने क्या किया, उस रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं उनके अंदर जो वैल्यूज़ है उनको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आई ज़ीरो था, तो यहाँ पर हमारा लूप चला, और लूप चलने के बाद जे पर आया, जे पर आने के बाद हमारे मार्क्स टू के अंदर ज़ीरोथ रो पर कितने कॉलम्स हैं, वो तीन कॉलम्स है, तो पहली तीन वैल्यू को प्रिंट किया 105, एक वैल्यू इंक्रीज हुई, फिर 106, फिर वैल्यू इंक्रीज हुई, फिर 107 प्रिंट होकर के मिला, फिर हमारा लूप यहाँ से कंडीशन हो गई फॉल्स, और लूप कर गया एग्जिट, और जे वाला लूप एग्जिट किया, ठीक है, पूरा लूप एग्जिट नहीं किया, सिर्फ जे वाला लूप जो है वो एग्जिट कर गया, और हमारा जो कोड है वो वापस गया आई के पास।
अब आई की वैल्यू इंक्रीज होकर के 1 हो गई, तो मतलब सेकेंड रो पर पहुंच गया हमारा कॉलम, ठीक है, हमारा मतलब जो आई है वो सेकेंड रो पर पहुंच गया। तो अब कितना यहाँ पर आई की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया 1। तो 1 के अंदर कितने कॉलम्स हैं, फर्स्ट रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो पहली वैल्यू प्रिंट हो गई 108, फिर हो गई 109, फिर हो गई 110, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम हमारे जो 2D एरेज होता है उसका आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, हमारा कुछ आउटपुट ऐसे आया था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ln को कर देता हूँ रिमूव, और इसके नीचे मैं साउट करता हूँ वापस से, 1 सेकेंड, यहाँ पर मैंने साउट किया, यहाँ से भी ln को रिमूव करके कुछ स्पेस प्रिंट करवा दूंगा, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन पर फॉरवर्ड करवा दूंगा, ठीक है। तो अब आप देखना हमारा जो एरे है वो एरे जैसा हमने ग्राफिक में देखा था ना, कि 2 रोज हैं, उस एक रो के अंदर 3 कॉलम है, फिर दूसरी रो है उसके अंदर भी 3 कॉलम है। तो अब आउटपुट हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। जहाँ मैं कोड को रन करता हूँ तो आप देखो हमारे पास आउटपुट कैसा मिला, हमारी फर्स्ट रो है, मतलब हमारा हमने होटल का एग्जांपल लिया था, ठीक है। होटल में कौन से फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर पे 3 रूम है, कौन कौन से, 105, 106, 107। उसके बाद आते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पर, तो फर्स्ट फ्लोर पर हमारे पास फिर से 3 रूम है। फर्स्ट फ्लोर पर कौन कौन से है, 108, 109 और 110। तो कुछ इस टाइप से होता है हमारा 2D एरे। आई होप सो आप लोगों को ये एरे वाला जो पार्ट है, ये पूरी वीडियो क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो क्या हमने मार्क्स 2 लिया था, ठीक है, 2D एरे हमने यहाँ पर समझ लिया है। अब जैसे जैसे पहले हमारी क्या, ये वैल्यू के अंदर ही हम हमारी जो वैल्यू थी, हमारा जो डेट इंडेक्स था उसके अंदर ही हम वैल्यू को स्टोर करवा दे रहे थे सिंगल एरे में, ठीक है। जो एरे सिंपल हमने देखा था यहाँ पर 1D एरे, इसमें क्या कर रहे थे हम, सिंपल एक इंडेक्स था, उस इंडेक्स के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करवा दे रहे थे। बट 2D एरे के अंदर क्या हुआ, हमने उस इंडेक्स को ही एक एरे बना दिया और उसके अंदर फिर वैल्यू को स्टोर करवाया, ठीक है। तो ये कुछ 2D एरे होता है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो वापस एक बार पूरी वीडियो को देख लेना, कोई चार्ज नहीं लगने वाला। जितनी बार वीडियो को देख के समझ में आ रहा है आप देख लो, ठीक है। और अच्छे से अगर थोड़ा बहुत आ गया है और कहीं पर अगर फिर भी डाउट है कि ये कैसे होगा या फिर वैल्यूज़ कैसे जाएंगी, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कब, जब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट को जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत बड़ी बात, तो ये सारी चीज़ें आगे की जो भी और प्रोसेस होगा वो आपको पूरा समझ में आएगा, मत टेंशन लो, ठीक है। अगर आपने ये 2D एरे तक समझ लिया है ना, तो 3D एरे पर, 4D एरे पर, 5D एरे पर मत मूव करो। 2D एरे समझ में आ गया है, इतने में खुश हो जाओ। आगे जितना आगे डीप में जाते जाओगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और आपको फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए 2D एरे आ गया, उसके बाद अब आगे मत देखो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मत समझो, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट रखना अपने दिमाग में कि हमारे पास 3D एरे भी होते हैं, 4D एरे भी होते हैं, ठीक है। 2D एरे आ गया, 2D एरे में अभी खुश हो जाओ। आगे जब हम और फॉरवर्ड बढ़ेंगे हम हमारे कोर्स में आगे, तो आपको बाकी सारे एरेज भी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वो इंक्रीज होता जाएगा, आप विजुलाइज कर पाओगे अपने एरे को, समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट खुद से बिल्ड कर पाओगे जैसे जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता जाएगा जावा को यूज़ करके, ठीक है। तो अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया, आपने सुन लिया और आपको जावा पूरा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब तक आप जावा को प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपसे ये कन्फर्म वाली जो जावा होती है ना, बिल्कुल परफेक्ट वाली की कॉन्सेप्ट बिल्ड करना ही करना है मेरे को। मैंने क्वेश्चन को देखा और मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, मैंने कोड को लिख दिया, वो वाला अगर आपको चाहिए ना, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बार में सॉल्व कर दे रहा है, पहली बार आपको 10 बार देखना भी पड़ेगा, हो सकता है 10 बार नहीं 20 बार देखो, बट जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा। हमारे चैनल पर जावा के प्रोजेक्ट्स भी आ चुके हैं, आप जावा के प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना शुरू करोगे, तो जावा के प्रोजेक्ट्स जब आप बनाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि ये फंक्शन को हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लॉजिक को बना सकते हैं, ठीक है। तो आप जावा के प्रोजेक्ट्स को भी बनाना शुरू कर दो, तो आपका जो बेसिक है वो भी क्लियर होगा, साथ में न्यू कॉन्सेप्ट भी सीखने के लिए मिलेंगे, लॉजिक भी बिल्ड होगा, अज्यूम भी आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो वीडियो को लाइक करना, नहीं हुई है तब भी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल मत जाना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।